हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन जावास्क्रिप्ट। ये सारे वन लाइनर हैं, तो हम क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जावास्क्रिप्ट? अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अ कंपाइल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जितने भी हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं वो सारी हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इजी टू अंडरस्टैंड। डैश टैग इज एन एक्सटेंशन टू HTML दैट कैन इंक्लोज एनी नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। HTML में कोई भी हमारी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को डालने के लिए हमें कौन से टैग की ज़रूरत है, वो है स्क्रिप्ट। फ्रेंड, सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं, कोई भी हमारी और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, CSS है या फिर हमारी XML है, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, अगर हमें उनको HTML में डालना है वो हम डालते हैं स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। डैश जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। नेविगेटर इज क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड कौन सी होती है हमारी, लाइव वायर। ये आप याद रखना, बहुत बार एग्जाम्स में आया है हमारे पास ये क्वेश्चन। नेविगेटर फॉर क्लाइंट साइड, लाइव वायर फॉर सर्वर साइड। व्हाई जावास्क्रिप्ट एंड जावा हैव सिमिलर नेम? जावास्क्रिप्ट इज अ स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन ऑफ जावा? नो। जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स इज लूजली बेस्ड ऑन जावा। दिस इज द राइट आंसर। जो हमारे जावास्क्रिप्ट में जो सिंटेक्स है वो थोड़ा थोड़ा जावा से मैच करते हैं, इसलिए जावास्क्रिप्ट और जावा में कुछ सिमिलरिटी है नेम में। ऑप्शन सी देख लेते हैं, दे बोथ ओरिजिनेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ जावा। इसका कोई सेंस नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट शुड अपीयर एट द वेरी एंड ऑफ योर जावास्क्रिप्ट? ये हमारे पास एक टैग दिया हुआ है स्क्रिप्ट, उसके अंदर दिया हुआ लैंग्वेज हमारा एट्रीब्यूट है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखें, जब भी आप स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हो टैग को, इसको क्लोज करना मैंडेटरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। सो एंड में हमारे पास आएगा स्क्रिप्ट विद एंडिंग मार्क। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी डन विद क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट? क्लाइंट साइड पे हम क्या नहीं कर सकते हैं? वैलिडेटिंग अ फॉर्म, आप वैलिडेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। सेंडिंग अ फॉर्म्स कंटेंट बाय ईमेल, आप क्लाइंट साइड पे ईमेल भी सेंड कर सकते हो। स्टोरिंग द फॉर्म्स कंटेंट टू अ डेटाबेस फाइल ऑन द सर्वर। अब सर्वर पे आपको कुछ स्टोर करना है, वो आप क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट से नहीं कर सकते हो, वो सर्वर साइड से हमें करना पड़ेगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। डैश जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स एम्बेडेड इन एन HTML पेज कैन रिस्पॉन्ड टू यूजर इवेंट्स सच एज माउस क्लिक, फॉर्म इनपुट एंड पेज नेविगेशन। ये सारे इवेंट्स हमारे क्लाइंट साइड के हैं, सो कौन सी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट चाहिए हमें? क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपेबिलिटीज ऑफ फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट? कौन कौन सी हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रिटर्न अ वैल्यू, एक्सेप्ट पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू, ओनली एक्सेप्ट पैरामीटर्स, नन ऑफ द अबव। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैल्यूज को रिटर्न नहीं करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू राइट हेलो वर्ल्ड? हमारी इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट है जिससे हमारा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड? जावास्क्रिप्ट में जब भी हमें आउटपुट करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर हम हमारे स्ट्रिंग डाल देंगे हेलो वर्ल्ड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये हम यूज करते हैं जावा में। विच इज द करेक्ट वे टू राइट अ जावास्क्रिप्ट एरे? अगर हमें एक एरे को डिक्लेयर करना है या डिफाइन करना है, उसके लिए करेक्ट वे हमारा कौन सा है? इसके अंदर हमें दिया हुआ है न्यू एरे। न्यू हमारा ऑपरेटर है जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। एरे, हमें एरे बनाना है, डेट इज ट्रू। जो इसमें इंडेक्सिंग लू है 1, 2, 3, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हमारे क्रॉस हो जाएंगे। ऑप्शन सी में हमने दो बार इक्वल साइन लिया हुआ है, वो भी गलत है। करेक्ट आउटपुट इज
ऑप्शन सी जो करेक्ट सिंटेक्स है एक एरे को क्रिएट करने का विद थ्री वैल्यूज वो है ऑप्शन सी। हाउ डज जावास्क्रिप्ट स्टोर डेट्स एंड डेट ऑब्जेक्ट? नंबर ऑफ मिलीसेकंड्स सिंस जनवरी 1, 1970, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ सेकंड्स, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स ये आप सिर्फ याद रख लो, नंबर ऑफ मिलीसेकंड्स सिंस जनवरी 1, 1970। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन होल्ड जावास्क्रिप्ट वर्जन? अगर हमें जावास्क्रिप्ट का वर्जन डालना है तो हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा? जनरली हमें लगता है कि वर्जन को स्टोर करना है तो उसके लिए आंसर होना चाहिए वर्जन, बट जावास्क्रिप्ट के केस में इट विल बी लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का वर्जन स्टोर करते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट कौन से वर्जन की है। विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन बी यूज टू इंडिकेट द लैंग्वेज एट्रीब्यूट? लैंग्वेज एट्रीब्यूट हम कैसे यूज़ करेंगे? जब भी हमें लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज़ करना है वो एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। सो ऑप्शन ए हमारा ऑलरेडी क्रॉस हो गया क्योंकि स्क्रिप्ट टैग नहीं है। और स्क्रिप्ट टैग हम जब भी यूज़ करेंगे तो उसको ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी करना ज़रूरी है। सो ऑप्शन बी भी हमारा क्रॉस हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावा स्क्रिप्ट वर्जन। आई टोल्ड यू वर्जन हमारा लैंग्वेज एट्रीब्यूट में जाता है, उसके बाद कुछ भी लिख सकते हो आप जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स, और स्क्रिप्ट को हमने बंद कर दिया। अब सी और डी में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ है, बट इन केस ऑफ टैग एंड एट्रीब्यूट्स एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम? वेरिएबल्स नेम हम सेम तरीके से लेते हैं जैसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेते हैं। कि फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले है टू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारी इसमें नहीं आ सकती। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा या तो आपका कोई भी अल्फ़ाबेट होगा या फिर एक अंडरस्कोर, उसके अलावा आप कोई भी फर्स्ट कैरेक्टर में नहीं डाल सकते हो। सो इसका आंसर होगा ए कि दिस ऑप्शन इज़ नॉट वैलिड वेरिएबल नेम। बाकी सब हमारे वैलिड है, इसमें हमारे स्टार्टिंग में अंडरस्कोर है ये हम ले सकते हैं, इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है वो भी अलाउड है। व्हेन अ यूज़र व्यूज अ पेज कंटेनिंग अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम विच मशीन एक्चुअली एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट? जो जावास्क्रिप्ट हमने डाली हुई है हमारे एचटीएमएल पेज में उसको इन एक्चुअल में एग्जीक्यूट कौन करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है हमारा वेब ब्राउज़र। सो इसका आंसर होगा ए, यूज़र्स मशीन रनिंग अ वेब ब्राउज़र। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है। वेब सर्वर नहीं करता, कोई सेंट्रल मशीन नहीं होती, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वेब ब्राउज़र चाहिए। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॉल्ड abc.js? ये जावास्क्रिप्ट है हमारी, फर्स्ट है स्क्रिप्ट एच रेफरेंस, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, हमें हाइपरटेक्स्ट नहीं बनाना है, सिर्फ एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को रेफर करना है, तो ये आपका ऑप्शन होगा गलत। नेक्स्ट इज थ्रू नेम, नो नेम के थ्रू भी नहीं करते, नेम के थ्रू हम तब करते हैं जब सेम पेज में हमें किसी डेटा को एक्सेस करना है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको हम रेफर करते हैं यूजिंग सोर्स src। ओके दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, स्क्रिप्ट लैंग्वेज दिया हुआ है, एक फंक्शन हमें गिवन है xsr फंक्शन, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हमारा प्रिंट एफ की तरह काम करता है, जैसे सी एम में हमारा प्रिंट एफ होता है, कुछ भी हमें आउटपुट करना है। 2 + 5 ये नंबर की फॉर्म में है, +8, नाउ 8 के लिए हमने डबल कोट्स यूज़ किए हुए हैं, सो डैट मीन्स ये एज अ स्ट्रिंग काम करेगी, और जो प्लस ऑपरेटर है वो हमारा मैथमेटिकली भी काम करता है, एडिशन के लिए भी और स्ट्रिंग कंकेटेनेशन के लिए भी काम करता है। वो डिपेंड करता है जो हमने डेटा या जो ऑपरेंड्स इसके लिए डाले हैं वो स्ट्रिंग डाली है या फिर नंबर्स। अब 2 + 5 ये हमारा एक्ट करेगा एज अ नंबर, सो इनको ऐड कर देंगे हम, 2 + 5 विल बी 7 +8, अब 8 हमारा स्ट्रिंग है तो वो इसमें हमारा कंकेटेनेट हो जाएगा। ये 7 + 8 इक्वल्स टू 15 नहीं होगा, इसमें ये मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं लगेगा, इट विल बी कंकेटेनेशन ऑपरेटर, और इसका आउटपुट होगा हमारे पास 78। द डैश मेथड ऑफ एन एरे ऑब्जेक्ट एड्स और रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम एन एरे।
कौन सा मेथड हम यूज करते हैं इंसर्ट और डिलीट करने के लिए एरे के अंदर, दैट इज स्प्लाइस, नॉट स्लाइस, इट विल बी स्प्लाइस. वट डज द नो स्क्रिप्ट टैग डू? नो स्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं? बहुत सारे ऐसे हमारे ब्राउजर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करते. मान लो आपने अपने HTML वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट यूज़ की हुई है, बट जो ब्राउज़र उसको ओपन कर रहा है वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में आप क्या टेक्स्ट दोगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं नो स्क्रिप्ट टैग, इनक्लोज टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड बाय नॉन जावास्क्रिप्ट ब्राउजर्स. जावास्क्रिप्ट एंटिटीज स्टार्ट विद ampersand एंड एंड विद सेमीकॉलन. सो इट्स आंसर विल बी डी, ampersand एंड सेमीकॉलन. हाउ टू क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट? मेथड वही है, सबसे पहले हम नेम देंगे, फिर न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे, उसके बाद डेट फंक्शन, और उसके अंदर जो पैरामीटर्स देते हैं वो हमारे ऑप्शनल्स हैं. चूज द सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, फाइल अपलोड, फंक्शन, डेट. ये हमारे क्लाइंट साइड है, सर्वर साइड पे होता है हमारे पास फाइल. नेक्स्ट है क्लाइंट साइड पे कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? क्लाइंट साइड पे होता है हमारा फाइल अपलोड. इज इट पॉसिबल टू नेस्ट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट? हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को नेस्ट कर सकते हैं, सो इट्स आंसर विल बी ट्रू. जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड बाय आर ब्राउजर, सो इट्स आंसर विल बी क्लाइंट. क्लाइंट साइड पे है ब्राउजर, वो उसको इंटरप्रेट करता है. इन जावास्क्रिप्ट डैश इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टारगेट लैंग्वेज डेटा टाइप, डेट इनक्लोजेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सोर्स लैंग्वेज. ये डेफिनेशन है रैपर की, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अ रैपर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टारगेट लैंग्वेज डेटा टाइप, डेट इनक्लोजेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सोर्स लैंग्वेज. ओके, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है जो भी हमने किया है. एक्स में हमने वैल्यू क्या डाली हुई है? 4+4. तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा? इट विल नॉट बी 8, क्योंकि यहाँ हमने डबल कोट्स यूज़ किए, और जहाँ भी हमारे डबल कोट्स आते हैं वो एज अ स्ट्रिंग वर्क करता है. सो 4 हमारा स्ट्रिंग है. अगर कोई भी ऑपरेंड हमारा स्ट्रिंग होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्लस हमारा करता है कनकेटिनेशन की तरह वर्क. सो यहाँ हमारा प्लस वर्क करेगा कनकेटिनेशन की तरह, इन दोनों को कनकेटिनेट कर देगा और हमारा आंसर होगा 44. लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फायर्स व्हेन द फॉर्म एलिमेंट लूजेस द फोकस? जब हमारा फोकस लूज होता है उस केस में हमारा फायर होता है ऑन ब्लर. ऑन फोकस, जब हम फोकस पे आते हैं किसी भी लिंक के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर हमारा कर्सर को लेके आते हैं. ऑन क्लिक होता है जब हम उस एलिमेंट पर एक बार क्लिक करते हैं. ऑन डबल क्लिक जब हम उस पर दो बार क्लिक करते हैं, जब हम वहाँ से अपने कर्सर को मूव करते हैं. लाइक अगर ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास मैं कर्सर लेके आई हूँ, वो मेरा ऑन फोकस है. इसके ऊपर एक बार क्लिक किया, इट विल बी ऑन क्लिक. दो बार क्लिक किया, इट विल बी डबल क्लिक. बट जैसे ही मैं अपने कर्सर को इस ऑब्जेक्ट के पास से दूर लेके जाऊँगी, हमारा फायर होगा ऑन ब्लर इवेंट.